बच्चों आज लाई हूँ भुट्टा। मक्के के दाने किसको नहीं पसंद। बहुत सारी रेसिपी तो बनती ही है, वैसे ही मक्के को हम भूनकर खाते हैं, उबालकर और इसमें कई सारे मसाले और बटर के साथ कई फ्लेवर में खाते हैं। पॉपकॉर्न बड़े चाव से खाते हैं, कई फ्लेवर में मिलते हैं आजकल, तो ये तो हम लोग खाते ही हैं। लेकिन जो इसके छिलके हटाने के बाद ये जो रोए है ना, जिसे हम भुट्टे के बाल कह सकते हैं, भुट्टे की मूंछ कह सकते हैं, ये इसको कॉर्न सिल्क कहते हैं। ये हमारे लिए क्या करते हैं, जिसे हम डस्टबिन में फेंकते हैं, ये हमें कितने फायदे दे सकते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अब बच्चों हम इसे ले कैसे, खास बात ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 कप पानी लेते हैं और उसे ना उबलने के लिए रख देते हैं। और ये जो कॉर्न सिल्क है ना, भुट्टे के रेशे जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, इसे वॉश करके थोड़ा सा, करीब 2-3 चम्मच इसमें उबलने दीजिए और स्लो गैस पर इसे पका लीजिए 15 मिनट तक, जब तक कि स्लो गैस पर इसका पूरे तत्व है वो पानी के अंदर मिल जाए। बस इसे मिलने दीजिए। तब तक मैं आपको ये भी बताती हूँ ये कॉर्न सिल्क हमें स्किन की कई कॉमन प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है। कई लोगों की स्किन में रैशेस हो जाते हैं, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है ठीक करने में। ये नेचुरल तरीके से बॉडी से एक्सेस पानी को, वेस्ट को बाहर करने में मदद करता है। इसमें विटामिन के की वजह से बहुत बड़ी रिच प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो इसे हमें बिल्कुल भी डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। इसको लेने से यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है। ओबेसिटी, मोटापे को भी कम करता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये मोटापे की, धीरे धीरे जब हम इसे लेना शुरू करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी। और उसे सिप सिप करके पीने से आपको बहुत आराम मिलेगा। इससे जिनको नींद अच्छे से नहीं आती है उनको नींद आएगी, रात को पीकर सोएं, सुबह उठकर आपको ताजगी महसूस होगी, आंखों के नीचे झाइयां जो नीचे लाइंस होती हैं वो बहुत ज्यादा ठीक हो जाती हैं इस कॉर्न सिल्क की टी से। किडनी को क्लीन करने में ये बहुत ज्यादा फायदा देती है हमें कॉर्न सिल्क। हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में मदद करती है कॉर्न सिल्क। मतलब इसको मैं कितने इसके फायदे बताऊं जिसकी उंगलियों से हम गिन नहीं सकते। अब बारी आती है कि ये जो ताजा है ये तो वाइट है, लेकिन हम ताजा कब तक रखें, जैसे हमें यूज हो बाद में, तो इसको आप 3 दिन के लिए धूप में सुखा कर रख लियो, डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर आप इसे 6 महीने तक रख सकते हो। और भी दूसरी जगह काम आता है, जैसे कि आपने देखा होगा शादियों में ढेर सारी रेसिपी में डालते हैं ये लोग हलवाई, तो वो बता रहे थे मुझे कि ये भुट्टे के जो बाल होते हैं ना, कॉर्न सिल्क होता है, इसी को कटिंग करके और इसमें केसर का कलर दिया जाता है और केसर का एसेंस दिया जाता है और फिर इसे सुखाया जाता है। बिल्कुल वही सुन के मैंने वैसा ही बना के रखा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी केसर लग रही है ना। हालांकि मैंने कलर अभी उतना नहीं डाला है जितना डार्क केसर का होता है, थोड़ा कलर मैंने कम डाला है, पर उसमें खुशबू बहुत ज्यादा है। तो यही केसर जो हलवाई लोग शादियों में बहुत सारी डालते हैं ना दूध के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर, तो वो वाली जो एक्चुअल केसर होती है वो नहीं डालते हैं, ये वाली नकली केसर को यूज करते हैं। हाँ, वही जो पहचान पाएगा, जो यहाँ पर देख सकेगा, ये देखिए जो एक्चुअल केसर होती है वो थोड़ी सी ऊपर से मोटी नीचे से पतली होती है, क्योंकि फूलों से होती है, ये नेचुरल तरीके से होती है, और ये जो है भुट्टे के बालों की है जिसे हमने काटा है। तो इस तरीके से जो कई सीक्रेट हमें नहीं पता था इसके बारे में, काफी सारे सीक्रेट हमें पता चले हैं जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। जिनको पथरी होती है ना, तो ये धीरे धीरे करके यूरिन के जरिए धीरे धीरे निकालने में मदद करता है। तो इसको आप बिल्कुल न फेंका करें, मतलब आपको यूज नहीं हो रही है तो कम से कम किसी और को दे दीजिए। जब भी भुट्टा छीलें उसको खाएं और भुट्टे के जो कॉर्न सिल्क है उसे सुखा कर अपने पास जरूर रखें। बहुत सारी फायदेमंद चीजें हमें जो पता नहीं होता उसके बारे में जब हम जानते हैं तो उसकी अहमियत हमें पता चलती है।